गुड इवनिंग एवरीवन। तो मेरा नाम संतोष है, संतोष कुमार। और आज ये मीट रखा गया एक्चुअली, मतलब हम लोग बहुत दिनों से चाह रहे थे कि एक बार जो भी नए नए लोग हैं वो मतलब मिल सके उन लोगों से जो ऑलरेडी जैम कर चुके हैं, या है ना, हम लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके बच्चों में। और मेरा पर्पस हम लोगों का कोचिंग का क्या है कि मतलब मेरा तो स्पेशली जैसे अभी दक्ष और विशाखा ये लोग बताएंगे कैसे मिले थे, अभिनव अगर आया वो बताएगा कि कैसे स्टार्ट किया था। तो मेरा पर्पस, हम लोगों का पर्पस ये अर्निंग नहीं है, नहीं था, बस ये था कि कम से कम बच्चों में जैम को लेकर अवेयरनेस बढ़े। क्योंकि जैम में देखो मतलब क्या है, हर साल इंडिया में लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग वो करते हैं, BSC करते हैं, मतलब पूरे मिला के। और जैम का अगर टोटल तुम ऐड कर लोगे कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो टोटल 7 या 8 सब्जेक्ट है ना। तो उसमें मिला के मुश्किल से एवरेज लगा लो 1-1.5 लाख बच्चे बैठते होंगे। तो ऐसा है, तो हम लोग, इसका वजह ये है कि शहरों में लोगों को पता है और मतलब दूर दराज स्टेट्स में कम लोगों को पता है। तो हम लोग चाहते थे अवेयरनेस बढ़े, इसलिए हमने स्टार्ट किया था। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सो जैसे तुम जानते हो कि मेरा नाम संतोष है, जैसे बताया मैंने अभी, और मैं ऐसे रहने वाला हूँ, बिहार का सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है। और मेरा बैकग्राउंड क्या है कि मैं जैसे मैंने प्राइमरी एजुकेशन मेरे गांव से हुई, मतलब 10th तक तो गांव में ही पढ़े, फिर 11th 12th पटना से किया मैंने, फिर मैं दिल्ली आ गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरा मैथ्स ऑनर्स है। और उसके बाद फिर मैं कोचिंग फील्ड में चुका हूँ, कैरियर एंडेवर में 2 साल पढ़ाया मैंने, दिल्ली के कैरियर एंडेवर जिसमें है 2 साल काम किया है। डिप्स में कुछ दिन किया था, फिर मजा नहीं आया तो छोड़ दिया था। तो वो है मतलब इन सब मेरा एक्सपीरियंस है। फिर कोचिंग फील्ड में था मैं, IIT दिल्ली से मेरा MSc उसके बाद हुआ, मतलब MSc के दौरान ही मैं जॉब कर रहा था कोचिंग में, ठीक है। कैरियर एंडेवर में MSc जब मैं कर रहा था तभी मैं कैरियर एंडेवर में जॉब करता था MSc के साथ साथ, IIT दिल्ली में जब मैं था। फिर मतलब फिर MSc बहुत अच्छे से हुआ नहीं तो मज़ा नहीं आया, फिर मुझे लगा कि, फिर मैं कोचिंग फील्ड में था कुछ दिन तक, फिर मुझे लगा कि कोचिंग फील्ड में इतना मज़ा नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने, मेरा IIT बॉम्बे से पढ़ने का मन था, तो मैंने PhD का कई बार इंटरेस्ट दिया लेकिन हुआ नहीं मेरा स्टार्टिंग में 1-2 बार। तो मैंने फिर, क्योंकि मुझे PhD स्टार्ट में करना था, मुझे प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी लगती थी, टाइम अभी भी लगती है। तो फिर मैंने IIT बॉम्बे ज्वाइन कर लिया, IIT जैम MS के थ्रू, है ना, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। और उसके बाद फिर अभी IIT कानपुर से मेरा PhD चल रहा है, और एक कॉलेज में भी प्रोफेसर भी हूँ मैं, मतलब मैंने ज्वाइन किया था मई में, मई 2021 में, तो साल चल रहा है।